आम कदम जी, आपका कहना फोन टैप कराया जा रहा है, मैं चाहूंगी आप मेरे व्यूअर्स को बताएं सर, फोन टैप कराना क्या कोई भी ठीक है राज्य सरकार की तरफ से कराया जा रहा है, क्योंकि सर ऐसा होता है ना, दर्शकों को ये लगता है, जो आमजन है उन्हें ये लगता है कि भाई सरकार है कुछ भी करा सकती है, शक है, फोन टैपिंग कराई जा सकती है, तो सर मुझे लगता है आपको बेहतर बताना चाहिए कि न्याय संगत रूप से क्या ये संभव है और शक आपको है क्यों? किसी तकनीकी कारण के कारण मैं देरी से जुड़ा, पर मेरे पूर्व जो वक्ता बोल रहे थे उन्हें कहीं पर भी मैंने टोका नहीं, तो मुझे बगैर टोके थोड़ी सी बात संक्षिप्त में रखने का मौका दें। ये फोन टैपिंग का मामला सबसे पहले मेरे द्वारा उठाया गया, जो सैम डिसूजा और एनसीबी अफसर दोनों भी जो मंत्री रोजाना पत्रकार वार्ता ले रहे हैं उनके विरोध में है, तो दोनों के बीच की वार्ता की ऑडियो क्लिप दोनों तो देंगे नहीं मंत्री महोदय को, तो फिर फोन टैपिंग के जरिए ही प्रकार की वीडियो ऑडियो क्लिप उन्हें मिल सकती है, एक साधारण सा गणित है। अब ये क्या अवैध रूप से फोन टैप कर रहे हैं, इसका जवाब उन्हें देना होगा। अगर वो अवैध रूप से फोन टैप कर रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है? अब शाहरुख खान के ओर से 25 करोड़ की उगाही, जो मूल सूत्रधार है वो एनसीपी का नेता सुनील पाटिल है, जब उसका नाम सामने आया तुरंत नवाब मलिक जी बैकफुट पर चले गए, असलम खान का नाम दे दिया कांग्रेस नेता, असलम खान ने भी हाथ ऊपर झटक दिया, नवाब मलिक जी पुनः एक बार अकेले पड़ गए। अब ये बार बार लोगों को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए अलग अलग चीजें जुड़ी। अब नवाब मलिक की पत्नी, पत्नी की बहन, उनके पिता, जाति, धर्म, ये सारे पहलू महत्वपूर्ण है, मना नहीं करते, पर इन पहलुओं का ड्रग माफिया और ड्रग से क्या रिश्ता? आपकी लड़ाई ड्रग के विरोध में है क्या? उनके पूरे खानदान के विरोध में है? आप एक बार तय करो और खानदान के विरोध की लड़ाई अलग लड़ो, ड्रग की लड़ाई अलग लड़ो, दोनों को साथ में इस लड़ाई किसके खिलाफ है कि शाहरुख खान ड्रग माफियाओं को बचाना चाहते हैं? लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ ही है, लेकिन ड्रग्स माफिया को जो बड़े बड़े ड्रग्स माफिया है उनके उनके गिरेबान में समीर वानखेड़े हाथ क्यों नहीं डालते? उनके उनके उनकी जो प्राइवेट आर्मी है। राम कदम जी एक बार बोल रहे, योगेश जी फिर आपके पास आ रही हूँ, पूरा मौका आपको भी दूंगी, टोकूंगी नहीं। राम कदम जी सर फटाफट कंप्लीट करें क्योंकि समय कम होता है। इसमें 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 दो ही इनकी मंशा है, राष्ट्रवादी के नेतृत्व द्वारा ये वाजे पार्ट टू वसूली गेट था, 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान को धमका करके ये वसूलना चाहते थे, इनके हिस्सेदार कौन है धीरे धीरे जांच के बाद सामने आएगा, ऐसा देश का मन बन चुका है एक। और दूसरा ये जो लगभग 37 डेज के बाद भी रोजाना पत्रकार वार्ता करके कहीं ना कहीं ड्रग माफिया का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन, ये महाराष्ट्र की सरकार निरंतर वसूली चलती रही करके कर रहे हैं, ये इसका मूल है, और ये मूल पैसे लोगों का ध्यान भटके। हाँ। इसके लिए फिर तो राम कदम जी आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ की उगाही दरअसल इनकी तरफ से करने का प्लान था, ये आप बोल रहे हैं? ये तो सामने आ रहा है ना, राष्ट्रवादी का नेता है सूत्रधार जो सुनील पाटिल, जिसने केसन गेसवाई के द्वारा शाहरुख खान के लोगों से 25 करोड़ रुपए मांगे, वो किसका आदमी है? राष्ट्रवादी दल के नेता का आदमी है। अच्छा। सुनील पाटिल, और यही सुनील पाटिल वह व्यक्ति है 5-स्टार होटल में रह करके पुलिस के तबादलों के पैसे ले करके राष्ट्रवादी के नेताओं को दे रहा था। ठीक है पर मुझे लगता है ये पूरा मामला योगेश जी आप जवाब भी दीजिए, और मैं तो फिर बार बार यही पूछूंगी सर कि परिवार के ऊपर कीचड़ उछाल करके आप इस पूरे मामले को डाइवर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? योगेश जी मैं आपने आपने माहिती साठी आपके आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कहना चाहता हूँ, सुनील पाटिल आपकी पार्टी का भी कार्यकर्ता रह चुका है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है या नहीं है ये अभी आप साबित नहीं कर सकते, वर्तमान या भूतकाल इसमें कोई भी अंतर नहीं रहता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप वसूली की बात कर रहे हैं, अगर वो हमारी पार्टी का होता तो नवाब मलिक जी उसका नाम क्यों सामने लाते? उसका अमित शाह जी के साथ में फोटो है, गुजरात के मुख्यमंत्री साहब के शपथ विधि में वो रह चुका है, बहुत सारी जगह उसके फोटो है। सुनील पाटिल का नाम मोहित कंबोज जी ने सामने लाया है, नवाब मलिक उसके बाद बैकफुट पर चले गए। जी नहीं, अगर अगर वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता होता
तो आप उसके बारे में सर, क्या किसी क्या साबित कर सकते हैं? एक शख्स के ऊपर उलझना नहीं है। हाँ, अगर मुझे उलझना है तो नवाब मलिक के ऊपर जरूर उलझना है। समीर वानखेड़े के ऊपर मैं बात करूंगी। सर, इतने किरदार हो गए ना इस पूरी पिक्चर के अंदर कि जो साइड एक्टर एक्ट्रेस है मुझे लगता है उन्हें आप छोड़ दीजिए। अभी मेन स्ट्रीम में नवाब मलिक और इस वक्त समीर वानखेड़े नजर आ रहे हैं, तो नवाब मलिक के ऊपर ही योगेश जी मैं बार बार यही पूछना चाह रही हूँ। सर, अब किसी की साली क्या करती है, उसके घर का नौकर क्या कर रहा है, ड्राइवर क्या कर रहा है, वो अलग मसला है, उसे बाद में सुलझा लीजिएगा, या शायद पहले सुलझा लेना चाहिए था। ये पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश है क्या? देखिए, नवाब मलिक जी को ये सब बातें उन्होंने बहुत जवाबदार मंत्री होने के बावजूद, आपके पास भी आऊंगी संजय गुप्ता, आपके पास भी आऊंगी। हाँ, कंप्लीट कीजिए योगेश जी शॉर्ट में। हाँ, ये महाराष्ट्र के जवाबदार मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने ये सब बातें की है, क्योंकि ये बहुत जवाबदारी से बात कर रहे हैं। नवाब मलिक जी अगर विरोधी पक्ष में होते तो उनका कहना कोई लोग मान भी लेते, लेकिन पार्टी सत्ता में होने के बाद उनको कहीं लग रहा है कि ये ड्रग्स के मामले में महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र राज्य को बदनाम किया जा रहा है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा। ये बॉलीवुड जो है उत्तर प्रदेश में ले जाने के लिए सब साजिश है, तब महाराष्ट्र बदनाम नहीं होता है क्योंकि पुलिस अपनी है। 100 करोड़